नीतीश कुमार के पलटी मारते ही लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। 29 जनवरी को लालू यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने पूछताछ की। आज यानी 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होनी है। ईडी ऑफिस के बंद दरवाजे के पीछे लालू से कितने सवाल किए गए और क्या सवाल किए गए, ये सब विस्तार से हम इस वीडियो में बताएंगे। पटना में ईडी की पूछताछ लगभग 10 घंटे तक चली। इस दौरान लालू यादव से 70 से भी ज्यादा सवाल किए गए। ये सारे सवाल लैंड फॉर जॉब केस से जुड़े थे। ये वही केस है जिसमें सीबीआई का कहना है कि 2004 से 2009 तक लालू यादव ने रेलवे के लिए उम्मीदवारों से नौकरी के बदले जमीन ली थी। सूत्रों के मुताबिक हर सवाल का जवाब देने में लालू को करीब 1.5 से 2 मिनट का वक्त लगा। हम आपको बताते हैं वो 5 बड़े सवाल जो लालू से पूछे गए। सबसे पहले तो ईडी ने लालू से पूछा कि नौकरी देने के बदले कितने लोगों से जमीन ली गई। दूसरा सवाल, पटना में मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स नाम की एक बिल्डिंग है जिसका नाम खरीद फरोख को लेकर कई बार सामने आया है। कॉम्प्लेक्स की खरीद बिक्री को लेकर भी कई सवाल किया गया। तीसरा सवाल, सीबीआई के मुताबिक पटना में लगभग 1,05,292 वर्ग फुट की अचल संपत्ति बिक्री और उपहार के नाम से लालू के परिवार वालों द्वारा ली गई। इस जमीन का भुगतान नगद में दिखाया गया, इस पर सवाल किया गया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बंगले से संबंधित भी सवाल किया गया जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए बताई जाती है। मेसर्स एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई जमीन के बारे में भी सवाल किया गया। एके इंफोसिस्टम को जमीन बेचने वाले के 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी दी गई। उन अभ्यर्थियों से 4 प्लॉट सिर्फ 7.5 लाख रुपए में खरीदे गए थे। और ईडी के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को जो संपत्ति 7.5 लाख रुपए में मिली थी उसे अबू दोजाना को 3.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। लालू से इस धांधली से जुड़ा भी सवाल किया गया। ईडी के पूछताछ के दौरान लालू यादव की बेटी मीसा भारती समेत सैकड़ों समर्थक ऑफिस के बाहर खड़े रहे। बता दें कि 2022 में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जिसके चलते अक्सर उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। लालू के परिवार वालों का कहना है कि उनकी तबीयत का भी बीजेपी और अधिकारियों ने लिहाज नहीं किया। दिस इज इनह्यूमैनिटी। एक बीमार व्यक्ति है, सब जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं जानती हूँ, सब जानते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, टाइमली दवा, टाइमली खाना, और उनको वो 9 घंटे तक बैठा करके रखती है। दिस इज कम्प्लीट इनह्यूमैनिटी। और लेकिन हम लोग भी डरने वाले नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी डरने वाले नहीं है, वो लड़ेंगे। यही ईडी केस क्लोज करती है, 2 साल पहले यही ईडी को केस क्लोज कर दी थी। बीजेपी से आदेश आया, केस ओपन कर दी। ईडी तो मजाक का पात्र बन गई। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जन जन के मसीहा के साथ किए जा रहे हरेक अत्याचार, हरेक प्रताड़ना का करारा जवाब देंगे। तो ये थे अब तक के आए अपडेट्स। बाकी ईडी केस एक्शन पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सारी जानकारी मेरे साथी विभावरी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन ड्रॉप देखते रहिए। शुक्रिया।